नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ। एक बेबस माँ, एक बेबस बच्ची, बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और अपनी माँ अपनी बच्ची को तिल तिल कर मरते देख रही है। देखिए इस रिपोर्ट को। गिरिडीह जिले के पतरा की रहने वाली 12 साल की सोनी कुमारी की किडनी खराब हो चुकी है। वो दिसंबर महीने से ही रिम्स के पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग में इलाजरत है, लेकिन बच्चे की सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा। चिकित्सकों ने बच्चे को एम्स के पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में रेफर करने की सलाह दी है, लेकिन गरीबी की मार ऐसी है कि वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है। सोनी के पिता लुहार हैं और आर्थिक हालत खराब है। सोनी की मां की माने तो गिरिडीह में 5 साल पहले एक झोला छाप डॉक्टर के पास खांसी का इलाज कराने गई थी। डॉक्टर ने सोनी को टीबी की दवा दे दी। गलत दवा का असर है कि अब 12 वर्षीय सोनी की किडनी खराब हो चुकी है। खराब हो गई है किडनी, बच्चा को कैसे बचाएंगे? बचाने लायक हम नहीं, अब सब पैसा जो चंदा तहसीलें हैं सब निंगर गए हैं, कैसे बचाएंगे? नेता लोग के अब कहते हैं कि अब जो करने होगा, डॉक्टर लोग के अच्छा कर दो बच्चा के। कैसे अभी तक खर्चा किए, कितना पैसा खर्च हो? पैसा हम 20,000 रुपया खर्चा हो गई है आने जाने के लेल से। 400 रुपया 400 रुपया एक आदमी के भाड़ा है। अच्छा, क्या करते हैं आपके घर मालिक जो, हम क्या करते हैं? आप लोहारी काम करते हैं, हम अब खटते हैं तब खाते हैं, नहीं खटते तो नहीं खाते हैं। वही बच्ची का इलाज कर रहे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर एच बीरुआ ने कहा कि सोनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अपना हर संभव इलाज उन्होंने लगा दिया है, लेकिन हालात संभल नहीं रहे। बच्ची को इलाज के लिए एम्स ले जाने की सलाह दी गई है और डॉक्टर की माने तो रांची में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी की सुविधा भी नहीं है। कुमारी जो है करीब 12 साल की बच्ची है, गिरिडीह के साइड की बच्ची है जी, जिसका किडनी फेल हो रहा है। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। जब उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही सीरियस था तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे इलाज शुरू किया अपने हॉस्पिटल, अपने विभाग में सर। और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत हुई, वेंटिलेटर चलाया गया उसको। इसके बाद उसकी हालत जनरल कंडीशन में अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो किडनी की स्थिति है, किडनी की क्रिएटिनिन जो 2.5 से 3 फिर अभी फिलहाल 9 के अराउंड है क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन, जो कि काफ़ी ऐसा लगता है कि उस एक्चुअली पिछला जो इन्वेस्टिगेशन को देखने से ऐसा पता चलता है कि एक साइड का जो किडनी है उसमें काफ़ी सारे सिस्ट हैं और दूसरे साइड का जो किडनी है जो अपनी जगह से नीचे उतरा हुआ था उसमें हमने एक ट्यूब डाला हुआ है ताकि उसको टेम्पररी तरीके से कुछ मैनेजमेंट किया जा सके। जाहिर है एक गरीब माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रही है। मरीज के पास आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड भी है और रिम्स के बंद होते दरवाजे से आशा भी बंधी हुई है कि काश कोई सरकारी रहनुमा उसकी नन्ही की जान बचा ले। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी रिंकू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।